हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश दर्जी और आज के लेक्चर में हमें बात करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है? तो वो एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो तो वो होता है सोलो प्रोप्राइटरशिप। अभी प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहाँ पे एक अकेला बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले लो, जेरोक्स हो गया, स्टेशनरी का बिजनेस हो गया, ठीक है, देन कोई ट्यूशन क्लास करवा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। अनदर एक एग्जाम्पल आप ले लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो है पार्टनरशिप का, जहाँ पे दो या ज्यादा लोग मिलके अपने फंड्स रेज करते हैं और फिर वो लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे शेयर उनके जो डाले हैं उनके तरीके से प्रॉफिट वगैरह फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। देन थर्ड एक होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ पे अपने ही परिवार का बिजनेस उनके जो बेटे वगैरह आएंगे वो कंटिन्यू करेंगे आगे। एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो वो है रिलायंस, ठीक है, देन हल्दीराम, तो वो सब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एक बेस्ट एग्जाम्पल्स है। और ध्यान ये आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि जहाँ पे उनका मेन मोटो सर्विस होता है, बट क्या होता है एग्जैक्टली वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमें देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। उनको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उनको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उनका एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो वो क्यों डाला गया है, रीजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, तो वो देखना है। और उसके बाद ये एक्ट डालने का कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए हैं उनका वो जस्ट ओवरव्यू देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। सो द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना, फॉर अ कॉमन पर्पज, ठीक है। एक बहुत लोगों के अगर कॉमन पर्पज है तो वो लोग साथ में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म की जाती है, ठीक है। एक हर एक मेंबर जो है वो यहाँ पे वॉलंटरीली आते हैं, अपनी स्वेच्छा इच्छा से आते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोई फोर्सिबली बोला नहीं जाता कि आपको ज्वाइन करना ही करना है। अगर उनका मोटो अच्छा है तो वो अपना मोटो बना लेगा और साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। सो दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लोइटेशन एट द हैंड्स ऑफ मिडलमैन ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो मिडलमैन क्या होता है, आपको मिडलमैन का बेस्ट एग्जांपल बोले तो क्या होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद होलसेलर होता है, देन उसके बाद फिर रिटेलर आता है, तो बीच में बहुत सारे यहाँ पे मिडलमैन आ जाते हैं, राइट, जो बीच में से पैसे लेके चले जाते हैं। तो जो गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कंज्यूमर तक पहुँचते फिर बहुत महंगी हो जाती है। तो इस तरीके से मिडलमैन को यहाँ पे दूर कर देना है, सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचे, इस तरीके की व्यवस्था करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, राइट। तो इसलिए बोला गया है कि पॉसिबल एक्सप्लोइटेशन जो हो रहा है मिडलमैन से वो यहाँ पे दूर करने का मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो अगर किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मिनिमम कंडीशन क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटिंग अप करने के लिए? तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सिंपल इनफ एंड द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी। तो याद रखना है मिनिमम 10 पर्सन चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए। द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे फिर एक लीगल एंटिटी मिल जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो फ्री होती है अपने मेंबर्स से, ठीक है। तो उसके लिए और थोड़ा अगर डिटेल से अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की वॉलंटरी मेंबरशिप। यहाँ पे वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब ये हो गया कि वो अपनी मर्जी से आ भी सकते हैं और अपनी मर्जी से जा भी सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या दिया गया है, यहाँ पे उसको लीगल स्टेटस दिया गया है, क्योंकि सोसाइटी इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर्स से, मेंबर्स आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, बट जाना है तो ऑब्वियसली उसको जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से नोटिस सर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उनके फीचर्स है, वॉलंटरी मेंबरशिप, एक लीगल स्टेटस दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, देन लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर जितना कैपिटल अपना ला रहे हैं उतना ही उनको यहाँ पे लॉस हो सकता है, ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। बाकी अगर वेरियस फॉर्म्स अगर देखो दूसरे मॉडल्स, तो वहां पे हो सकता है कि उनको अपनी घर भी बेचनी पड़ते है कभी कभी, आपने सुना होगा कि बिजनेस में बर्बाद हो गए तो अपना घर भी बेचना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता है। देन फोर्थ है कंट्रोल, कि ये जो होती है वो पर्टिकुलर एक कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेट किया जाता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कि ताकि उनके जो ऑडिट्स है वो एनुअली होते रहे, ताकि कोई भी मेंबर्स वगैरह है। अभी होता क्या है कि यहाँ पे
एक ऑफिस बेरर भी होता है, एक मैनेजमेंट टीम भी होती है कॉर्पोरेट सोसाइटी को हैंडल करने के लिए, राइट? तो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग भी की जाती है कि ताकि अगर कोई भी मेंबर उससे जुड़ता है तो वो मेंबर को यहाँ पे लॉस ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेन मोटो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में ट्रस्ट का ज्यादा रहता है, ठीक है। देन सर्विस मोटिव, जो अभी बात की कि मेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन एम है कि उनको सर्विस करनी है लोगों की, अपने मेंबर्स की। यहाँ पे उनका मेन जो गोल वो प्रॉफिट नहीं है। अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखो तो वहां पे उनका जो होता है वो प्रॉफिट देखा जाता है वहां पे, कि जैसे जैसे ज्यादा प्रॉफिट करेगी उतना उन कंपनी को और उनके मेंबर्स को फायदा रहेगा, राइट? बट यहाँ पे उनको फायदा करना नहीं है, यहाँ पे अपने मेंबर्स और जुड़े हुए लोगों की यहाँ पे सर्विस करनी है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे सर्विस मोटिव से ये फॉर्म की जाती है। प्रॉफिट उनका मेन रहता है, जो भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत होगा वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने मेंबर्स में। देन एक इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कि यहाँ पे जो ऑफिस बेरर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनका यहाँ पे इलेक्शन किया जाता है, और हर एक जो मेंबर होंगे यहाँ पे वो हर एक मेंबर एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत टाइप्स की होती है, वो हमें डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वो हमारे पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जस्ट आपको नाम दे दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन से टाइप्स की होती है। तो एक होती है प्रोड्यूसिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन होती है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आप नाम से ही देखो तो नाम से क्लियरली पता चल रहा है कि उनका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में, क्रेडिट में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, देन हाउसिंग कमिटीज में यहाँ पे हाउसेज प्रोवाइड करना है सस्ते दाम में, राइट? तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होती है, मेन मोटिव उनका सर्विस होता है, ठीक है।